आज सुबह आई शिक्षा मंत्रालय की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर 4 बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर 4 बड़ी खुशखबरी दे दी है जिससे छात्रों का बहुत फायदा हो सकता है। इसमें सबसे पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार पिछली बार से अधिक अच्छे रिजल्ट आएंगे। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमें स्कूलों द्वारा पता चला है कि इस बार छात्रों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं व सभी छात्रों ने प्रोजेक्ट भी सबमिट किए हैं। इस आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आज शिक्षा मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि इस बार उन छात्रों को जिन्हें पास होने के लिए 1 या 2 नंबर कम पढ़ेंगे तो उन्हें 1 या 2 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। वह ये देश भर के सभी राज्यों पर लागू किया गया है। वहीं तीसरे बड़े खुशखबरी की बात करें तो आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका को सिर्फ 2 प्रोसेस में चेक होना। इस बार आपके आंसर शीट 2 प्रोसेस में चेक होंगे। हर बार आंसर शीट को 3 से 4 प्रोसेस में चेक किया जाता था। वह शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमेशा रिजल्ट जारी करने में काफी समय लगता था, इसलिए इस बार छात्रों के आंसर शीट को 2 प्रोसेस में चेक किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी किया जा सके। वहीं चौथे बड़े खुशखबरी की बात करें तो अगर बाई चांस किसी छात्र का बोर्ड एग्जाम परीक्षा में कंपार्टमेंट आ जाता है तो उन छात्रों के घर बैठे ही उस सब्जेक्ट के ऑनलाइन एग्जाम ले लिए जाएंगे। वह इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जिससे छात्रों को पास होने में काफी सहायता मिलेगी।